नमस्कार, मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सभी हमें देख पा रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और हमारा ये सत्र है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1। और इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। नमस्कार सर। जी मैम, धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी, विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। जी, और डियर स्टूडेंट्स, सर हैं पीजीटी हिस्ट्री केवी आसनसोल वेस्ट बंगाल से। तो सर, इस चैप्टर को आप सभी को समझाएंगे कि क्या कुछ है इस चैप्टर में, तो ज़रूर आप इस सत्र को देखिए। और हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। आप हमें इस समय देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से। आप नोट डाउन कर लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर। और यदि आप हमें ईमेल के ज़रिए अपने प्रतिक्रिया, अपने फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप उसे भी नोट डाउन कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in पर। तो ये तो थे हमारे इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट बता देना चाहते हैं G20 से रिलेटेड। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 समिट प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरिज्म, India G20 presidency would be a watershed moment in history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और अब हम रुक करते हैं हमारे इस सत्र की तरफ, और हमारा ये सेशन है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का। तो हम रुक करते हैं सर की तरफ, और सर से जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। जी सर। जी मैम, एक बार पुनः आपको धन्यवाद। बच्चों, जब हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो ये हमें पता चलेगा कि दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को, दुनिया के इतिहास को बदलने का काम किया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन्हीं कुछ चुनिंदा घटनाओं में से एक है जिसने विश्व के इतिहास को बदलने का प्रयास किया है। चाहे अनचाहे पूरे दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो एक बल मिला है, जो एक गति मिली है, दैट मोमेंट इज लेड आफ्टर बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th स्टूडेंट, एंड आल्सो फ्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर रिलेटेड टू क्लास 10। सो इसीलिए आज की इस कड़ी में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखें इस सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। बच्चों, सेशन की शुरुआत जब करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से 14 जुलाई 1789 का वो मॉर्निंग जिसमें पूरा पेरिस शहर एक अलार्म की सिचुएशन में था, इसका परिणाम क्या हुआ, बास्टिल के किले का पतन और फ्रांसीसी क्रांति की सूत्रपात। Then we will discuss various causes of French Revolution. After discussing various causes of French Revolution, we'll see finally what were the circumstances that led to the revolution. यहां तक हम आज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम बाद में चर्चा करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बच्चों जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया 14 जुलाई 1789 की वो मॉर्निंग, आखिर हुआ क्या? इस दिन 14 जुलाई के दिन 1789 में पूरा पेरिस शहर अस्त व्यस्त के आलम से गुजर रहा, चारों तरफ भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ गई। और ये भगदड़ मचने का कारण क्या था? एक रूमर का फैलना। वो रूमर क्या था? ये रूमर सुनने में आया कि फ्रांस के राजा ने पेरिस शहर के अंदर सैनिकों की एक बड़ी ट्रूप बुला ली है और इस ट्रूप को आदेश दिया है कि वो वहां के नागरिकों पे
गोली बरसाने का आदेश दे दिया गया है। अब बच्चों आपको मालूम है कि रूमर्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी घटना को और बड़ा रूप देने में, उसको एक नया रूप देने में। रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर भारत की बात करें उसको फैलाने में रूमर्स का ही सबसे बड़ा योगदान है। बच्चों आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा किस तरीके से जो है कार्टून में काउ और पिग का फैट का इस्तेमाल किया गया है। इस घटना ने भारत के लोगों को, भारत के सैनिकों को किस तरीके से प्रेरित किया, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बना। सेम थिंग यहां भी घटी। ये रूमर जैसे ही फैला कि राजा ने फ्रांस के सिटीजन्स पे गोली चलाने का आदेश दिया है, वहां के लोगों को, पेरिस के लोगों को इसने बहुत ही गुस्सा कर दिया, नाराज कर दिया। लगभग 7,000 लोग पेरिस के टाउन हॉल के पास इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां निश्चय किया कि वो अपनी खुद की मिलिशिया बनाएंगे, खुद की आर्मी बनाएंगे, जो राजा की आर्मी से चुनौती लड़ेगा, लड़ाई करे। और इसका परिणाम क्या हुआ, शीघ्र ही लोगों की इस भीड़ ने जहां जहां सरकारी दफ्तर मिलते चले गए उनको लूटना स्टार्ट कर दिया, वहां तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया ताकि उनके हाथों में ज्यादा से ज्यादा हथियार आ सके। और कुछ ही समय के पश्चात हजारों की संख्या में जो है लोगों की भीड़ बास्तिल के किले की ओर बढ़ी। बास्तिल के किला जो कि एक प्रिजन का काम भी करता था, इस बास्तिल के किले पे लोगों की भीड़ की मुकाबला वहां के बास्तिल के फोर्ट का जो कमांडर था उनके साथ हुआ, वहां की आर्मी के साथ भी। और इस लड़ाई में बास्तिल के किले का कमांडर मारा गया और जो भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। बास्तिल के किले का पतन ही फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत का कारण माना जाता है और साथ ही साथ ये कई सारे प्रश्न भी हमारे सामने छोड़ जाता है, जैसे आखिर ये रूमर पेरिस में क्यों फैला और क्या ये एकमात्र रूमर है जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इनरेज कर दिया, एक साथ आने के लिए प्रेरित कर दिया। क्या एक रूमर लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें कभी मिलेगा जब हम लेट 18 सेंचुरी तक फ्रांसीसी समाज के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, वहां की पॉलिटी, वहां की इकोनॉमी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इन प्रश्नों के बारे में। जी सुशील सर, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, बास्तिल के बारे में, कि व्हाई डेमोलिशन ऑफ बास्तिल फोर्ट इज नोन एज बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हु वर द प्रिजनर्स रिलीज ड्यूरिंग डेमोलिशन ऑफ फोर्ट सर? जी मैम, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले वो प्रिजनर कौन थे और कितने बड़े प्रिजनर थे? मैम केवल 7 प्रिजनर थे और ऐसा नहीं कि प्रिजनर्स का कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था, 7 प्रिजनर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन 7 प्रिजनर को छुड़ा लेना और बास्तिल के किले का अंत करना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। वो इसलिए बिकॉज द फोर्ट ऑफ बास्तिल वाज द सिंबल ऑफ डिस्पोटिज्म ऑफ फ्रेंच एम्पायर, जो फ्रांसीसी साम्राज्य का जो निरंकुशतावाद था, जो वहां का एब्सोल्यूटिज्म का जो एक तरीके से कह सकते हैं वो परिचय था। और यही कारण है एक तरीके से बास्तिल के किले का पतन करके वहां के पब्लिक ने ये मैसेज दिया कि वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सो बच्चों आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ इमेज ऑफ बास्तिल फोर्ट, कि किस तरीके से लोगों की भीड़ बास्तिल के किले पे उन्होंने अटैक किया, प्रिजनर को छुड़ाया और पूरे फोर्ट को उन्होंने पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। अब जैसे कि हमने बात किया कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर तभी मिलेगा जब हम फ्रांसीसी समाज को अच्छे से समझेंगे। हम एक एक करके फ्रांस 18 सेंचुरी तक फ्रांस की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सभी कंडीशंस के बारे में चर्चा करें। तो स्टार्टिंग विद द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 18 सेंचुरी फ्रांस। सो 18 सेंचुरी तक फ्रांस में जब हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, देयर वर एवरीवेयर एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की बच्चों आप समझते होंगे, अ फॉर्म ऑफ मोनार्की इन विच देयर इज नो कंट्रोल ओवर द एग्जिस्टिंग रूलिंग पावर। जो भी शासक होता है, शासक के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता।
अब बच्चों आप कह सकते हैं कि क्या ये 18वीं शताब्दी में ये स्थिति जन्म ली थी? नहीं बच्चों, 17th सेंचुरी में नॉर्वाट्स भी फ्रांस की राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब हो चुकी, राजा टोटली निरंकुश हो चुका था, टोटली अब्सोल्यूट हो चुका था, वो किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक छोटा सा इंसिडेंट बच्चों, एक एग्जांपल आपको मैं शेयर करता हूँ। जब लुईस 14 फ्रांस पे शासन कर रहा था, उसके दरबार में एक फिलोसोफर, एक स्कॉलर आए, उन्होंने उनसे सवाल किया लुईस 14 से कि किंग व्हाट इज स्टेट, देन बच्चों डू यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द किंग। King Louis XIV replied, I am the state, main hi raj hu. The second question was with him, what are the laws, the king, what are the laws? The king replied, the words I have said are the laws. Jo maine keh diya, wahi kanoon hai. Bachcho, aapko ye ghatna, ye ek example aapko bata sakta hai कि फ्रांस में 18 सेंचुरी तक आते आते राजनीतिक स्थिति कितनी खराब थी। लुईस 16 के आते आते स्थिति और ज्यादा खराब हुई, बिकॉज लुईस 16 जो था वो उतना दूरदर्शी या उतना डिप्लोमेटिक नहीं था। जब लुईस 16 गद्दी पे आया, जब उसने गद्दी संभाला, तो उसे एक बिल्कुल एम्प्टी ट्रेजरी मिला, बिल्कुल खाली खजाना मिला। और इस खाली खजाने का कारण क्या था? फ्रांस परसों से लंबे लंबे युद्धों में इन्वॉल्व था। फ्रांस और इंग्लैंड का 30 वर्षीय युद्ध सभी को मालूम है। यानी ये जो लंबे वार थे, ये जो बर्साइल का जो किला था, जो पैलेस था, इन सभी की मेंटेनेंस पे खर्च इतना तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जो है फ्रांस की ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुकी। इसके अलावा ऐसी स्थिति में फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को मदद प्रदान की थी, जिसके कारण भी फ्रांस पे एडिशनल एक्सपेंसेस आ गए। अब इन एक्सपेंसेस ने क्या किया? फ्रांस को मजबूर कर दिया कि वो दूसरों से लोन ले। और बच्चों ध्यान रखिए, फ्रांस को बहुत बड़ी कीमत पे 10% इंटरेस्ट रेट पे लेंडर से लोन लेना पड़ा। लोन की अमाउंट, इंटरेस्ट इतना तेजी से बढ़ रहा था कि इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट के खर्च को मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है मजबूर हो गई नए नए टैक्स को दोबारा से इंपोज करने के लिए, जो बाद में जाके लोगों के गुस्से का बहुत बड़ा कारण बना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस की तरह अगर हम बात करें, सोशल कंडीशंस भी फ्रांस बहुत खराब थी। इस समय फ्रांस का पूरा समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ है। टू स्टेट, फर्स्ट टू स्टेट्स वाज ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी, हु वर एंजॉयिंग सर्टेन प्रिविलेजेस बाय देयर बर्थ। यानी जो कुछ लोग थे, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट की जिसमें क्लर्जी और नोबिलिटी आते थे, वो जन्म से ही कई सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। इन प्रिविलेजेस के साथ साथ उन्हें सभी तरीके से टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, वो स्टेट को किसी तरह का टैक्स नहीं देते। इसके अलावा नोबल्स आल्सो एंजॉयड एडिशनल फ्यूडल ड्यूज एंड प्रिविलेजेस व्हिच इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज एक्सटेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। बच्चों ये स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि फ्रांस में एक कहावत बड़ी मशहूर हो गई थी, क्लर्जी प्रेस, नोबिलिटी फाइन्स एंड द थर्ड स्टेट पे द टैक्सेस। यानी क्लर्जी केवल पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नोबिलिटी केवल लड़ेगा और सारा टैक्स पे करने का काम कौन करेगा? थर्ड स्टेट। द चर्च एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टाइथ। अब आप देखिए, चर्च टैक्स देता तो नहीं था, लेकिन उसे टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार, चर्च भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। इसके अलावा स्टेट जो है अपना अलग से टैक्स कलेक्ट कर रही है, जो टाइल के नाम से जाना जाता है, अ डायरेक्ट टैक्स टाइल एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेवीड ऑन एवरीडे कंजम्पशन आर्टिकल्स लाइक साल्ट एंड कमिंग। आप देख सकते हैं कि फ्रांस के सोशल कंडीशंस भी कितने खराब हो चुके। जी सुशील सर, यहाँ पे भी मैं रोकना चाहूँगी आप के लिए को, कि एक प्रश्न आया है मेरे जहन में, मैं पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं सोशल कंडीशन के बारे में, और आपने 3 स्टेट्स के बारे में भी जिक्र किया, तो इस स्टेट्स का मीनिंग क्या होता है सर, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइए। जी, और इसमें एक शब्द भी आया है क्लर्जी,
तो वो किसे कहते हैं, एक वर्ड मेंशन किया गया है क्लैरजी, तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स को अगर आप बताएंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सर। जी मैम जी, अगर आप देखें तो हर एक देश हर एक समाज में कई तरह के सोशल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कई तरह के कास्ट होते हैं, कई तरह के रिलीजियस वर्ग होते हैं। तो उसी तरह फ्रांस की सोसाइटी भी तीन अलग अलग सोशल क्लासेस में बटी हुई है। These social classes are referred as the states. उन्हीं को स्टेट कहा जाता है। जैसे हमारे कास्ट कहा जाता है, उसी तरह उनसे स्टेट के नाम से जाना जाता है। जी सर। रही बात क्लर्जी, जैसे कि बताया फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकेंड स्टेट में नॉबिलिटी। नॉबिलिटी शब्द बच्चों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो राज परिवार से पॉलिटिकल अफेयर से इन्वॉल्व रहते हैं, दिस पीपल आर नोन एज नॉबिलिटी। बट क्लर्जी the people who are engaged in the religious affairs, the people who are associated with the church, these people are known as clergy. ऐसे ही लोगों को clergy कहा। बिल्कुल सर, हमारे स्टूडेंट ने जी नोट डाउन कर लिया होगा। आपको फ्रांस की सोसाइटी का जो तीनों स्टेट है, तीनों स्टेट का एक बार स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझा दूं। आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया है, फर्स्ट स्टेट में देख रहे हैं आप clergy, the people who are associated with the church activities. सेकेंड स्टेट नॉबिलिटी, जो पॉलिटिकल फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े लोग होते हैं वो नॉबिलिटी में आते हैं। थर्ड स्टेट, अब बच्चों आपने देखा होगा एक बार तो हमने थर्ड स्टेट कहा और थर्ड स्टेट में भी अगेन तीन बॉक्सेस बने, यानी थर्ड स्टेट अगेन काफी डाइवर्सिटी से भरा हुआ था, उसमें भी काफी डिफरेंसेस थे। थर्ड स्टेट तीन क्लास में बटा हुआ था, जिसमें पहले क्लास में वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स होते थे, जो कोर्ट के ऑफिसियल्स होते थे या जो लॉयर्स होते थे, ये सभी थर्ड स्टेट के पहले पार्ट थे। थर्ड स्टेट के सेकेंड पार्ट में जो बिग पीजेंट्स और आर्टिसंस जो होते थे वो उसके सेकेंड स्टेट में आते थे, और जो थर्ड स्टेट का जो तीसरा जो क्लास था, इट वॉज द क्लास फुल ऑफ मेजोरिटी। इसी क्लास में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या थी, और इसमें कौन आते थे, फ्रांस के जो छोटे छोटे किसान थे, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो सर्वेंट थे, सबसे ज्यादा फ्रांस की संख्या इन्हीं लोगों से बनी हुई थी, और ये लोग थर्ड स्टेट के तीसरी कैटेगरी में आते थे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोशल स्टेटस ऑफ फ्रांस टिल 18th सेंचुरी। और यही कारण है कि उस समय एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे थे, उन्होंने देखिए एक इस पे कार्टून भी बनाया था, द स्पाइडर एंड द फ्लाई, किस तरीके से स्पाइडर और फ्लाई की कहानी होती है, वैसे चल रहे हैं। देखिए नोबल मैन को एक स्पाइडर की तरह दिखाया गया था और पिजन्स को एक फ्लाई मक्खी के रूप में दिखाया गया, और बोल रहा है जो कॉमन पीपुल है वो बोल रहा है, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, जितना भी शैतान को दे दो उतना ही ज्यादा उसको चाहिए होगा। दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन फ्रूट्स मनी स्लैग, द फेट लॉर्ड सिट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, नॉट इवन केयर टू ग्रेस। यानी ये जो नॉबिलिटी है वो बैठा बैठा आम व्यक्ति से सभी कुछ ले रहा है, अनाज हो, फ्रूट्स हो, मनी हो, सलाद हो, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग, और जरा सा भी उसको कॉमन पीपल के प्रति सिंपैथी नहीं है। दिस वाज द स्टेटस ऑफ द स्टेट सिस्टम ऑफ द सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस टिल 18th सेंचुरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस। इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ अच्छा नहीं था। सबसे पहले फ्रांस की पॉपुलेशन 18th सेंचुरी तक बहुत तेजी से बढ़ी, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 18 सेंचुरी से पहले, वो 39 मिलियन तक जो है पॉपुलेशन बढ़ चली जाती है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, बच्चों हम सभी जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से फूड ग्रेन्स का डिमांड भी क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। हालांकि जैसे जैसे ग्रेन्स का डिमांड बढ़ता है, कोशिश की जाती है कि प्रोडक्शन को बढ़ा के उसकी जरूरत को पूरी की जाए, बट जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ी उस रफ्तार से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां जो ब्रेड की कीमत है उसमें बहुत बेतहाशा इंक्रीज हो गई।
इतना ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ कि लोगों के खरीद से क्या हुआ, वो बाहर उतर गए। लोगों की मजदूरी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो अपनी मजदूरी से रोटी को खरीद, और ऐसी स्थिति में भी उनको टैक्स में एग्जेम्पशन देना तो दूर। कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक कहानी है कि लोगों का एक समूह जब फ्रांस के दरबार में पहुंचा, जब उन्होंने राजा के सामने कहा कि किंग we are in much trouble, we are not earning enough money to buy simple bread for us, and ऐसे स्थिति में जब लोगों ने गुहार लगाई तो लुई 16 की जो रानी थी मेरी अंतोनेट, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा then what matters if you can't purchase the bread just purchase the cake। यानी राजा और रानी इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि जो व्यक्ति ब्रेड नहीं खरीद सकता ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, वो व्यक्ति केक कैसे खरीद सकता है। ये दर्शाता है कि किस तरह की स्थिति फ्रांस में घटती जा रही थी, और इन सभी परिस्थितियों ने फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस को जन्म दिया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए, जो बेसिक लिवलीहुड के लिए जो जरूरी चीजें होती है, वो पूरा कर पाना भी क्या होता है, संभव नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट इस विषय में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज राइज ऑफ मिडिल क्लास। देखिए, सोशल कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल कर लिया, इकोनॉमिकल डिस्कशन कर लिया, तीनों स्थितियां खराब हो चुकी। लोगों को एक नेतृत्व की आवश्यकता थी जो आगे जाके रिवॉल्यूशन को लीड करने में है। ऐसी स्थिति में 18 सेंचुरी में एक मिडिल क्लास का राइज होता है फ्रांस में, जो रिवॉल्यूशन का बड़ा कारण बनता है। ये मिडिल क्लास में कौन कौन लोग आते? मिडिल क्लास मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशनल जैसे लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, ये जो मिडिल क्लास था, इनके पास ना तो पैसे की कमी थी, साथ ही साथ ये काफी पढ़े लिखे थे, और इन लोगों ने इसीलिए पढ़े लिखे होने के बावजूद इन लोगों को किसी भी तरह का प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा। सो दे जस्ट स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज द सिस्टम, और ऐसी स्थिति में कई सारे फिलोसफर फ्रांस में उभर के सामने आए जिन्होंने लोगों को इस विषय से अवेयर करना शुरू किया। बच्चों, आपको आगे जाके डिस्कस करेंगे जॉन लॉक के बारे में, रूसो के बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में। इन लोगों ने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को अवेयर किया और रिवॉल्यूशन के लिए तैयार। जी सर, अब लास्ट टॉपिक है मैडम, सिर्फ अगले सेशन से जोड़ने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस में बच्चों को बता दूं। बच्चों, माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 18 सेंचुरी तक आप देखेंगे पूरा फ्रांस टर्मोइल का सामना था। सर, इसको शॉर्ट में सिर्फ एक मिनट ही शेष है, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा। नथिंग इज लेफ्ट एक्चुअली, बस लिंक कर रहा हूं। सो 18 सेंचुरी फ्रांस की अगर हम बात करें तो देखें पूरा फ्रांस टर्मोइल का सामना कर रहा था। अस्त व्यस्त चारों तरफ दिख रही, समाज में सामाजिक असमानता बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। राजा के पास एब्सोल्यूट पावर्स थे, लेकिन डिप्लोमेसी में बिल्कुल राजा शून्य हो चुका। इकोनॉमिक कंडीशन लगातार खराब हो रहा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी स्थिति जन्म दे रही थी। लेकिन इस समय अच्छा एक चीज हो रहा था कि मिडिल क्लास बहुत तेजी से उभर रहा था, जो पैसा के साथ साथ एजुकेशन के मामले में भी बहुत तेजी से आगे था। जी सुशील सर, और ऐसी स्थिति में लास्ट लाइन में, और ऐसी स्थिति में जब राजा लुई 16 ने बढ़ते हुए खर्चे को पूरा करने के लिए एक नया टैक्स इंपोज करने का निश्चय किया, जो फ्रांसीसी क्रांति के आउटब्रेक का जी। सुशील सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र के लिए। आप, हमने पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन को जाना, और हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को बहुत ही मदद मिली होगी इस चैप्टर को समझने में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद सर।
और डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपसे साझा करना चाहते हैं G20 से रिलेटेड। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और इसी अनाउंसमेंट के साथ हमारा आज का ये सत्र यहीं संपन्न होता है, लेकिन अभी और बहुत सारे ज्ञानवर्धक और रोचक सत्र और भी हैं, तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए ई विद्या चैनल से, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।